आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मान लीजिए आपका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग गलती से अगर डिलीट हो जाता है तो कैसे उसे आप रिकवर कर सकते हैं। किसी ने हमसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा है कि उनका गूगल बिजनेस प्रोफाइल गलती से डिलीट हो गया है, वो चाहते हैं उसे रिकवर करना, तो कैसे वो उसे रिकवर कर सकते हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। किसी भी डिलीटेड गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रिकवर करने के लिए बेसिकली हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना होगा, ताकि मैं आपको वहाँ पे डिटेल में समझा पाऊँ। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मान लीजिए आपका ABCD बिजनेस नाम का गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, वो गलती से डिलीट हो गया है। उसे रिकवर करने के लिए बेसिकली आपको गूगल पे जाके उस बिजनेस नाम को सर्च करना होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये अकाउंट है, हम इसे सर्च करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो लिस्टिंग ओपन हो जाएगा, जो भी आपके अकाउंट से अगर डिलीट हो गया, अगर वो लाइव होगा तो इस तरीके से वो जब भी आप सर्च करेंगे गूगल पे वो आपको डिस्प्ले होगा। और आपके अगर अकाउंट से अगर डिलीट हो गया है तो उसे कैसे रिकवर किया जाता है, तो इसके लिए बेसिकली आपको बिजनेस नाम को सर्च करने के बाद नीचे की तरफ आना है, और यहाँ ओन दिस बिजनेस का जो आपको ऑप्शन शो कर रहा है इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से प्रोफाइल ओपन हो जाता है। नहीं तो आप काम कर सकते हैं, आप गूगल मैप पे भी जा सकते हैं और उस बिजनेस नेम को आप सर्च करेंगे, तो इस तरीके से लिस्टिंग ओपन हो जाएगा अगर आपका लिस्टिंग अगर लाइव है। और जब भी आप उस लिस्टिंग को ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे आपको गूगल मैप पे क्लेम दिस बिजनेस का ऑप्शन डिस्प्ले होगा। यानी इसका मतलब होता है कि इस बिजनेस लिस्टिंग का कोई भी बिजनेस ओनर नहीं है, यानी कि इस बिजनेस लिस्टिंग पे कोई भी एडमिन नहीं है। तो बेसिकली आपको काम करना है, क्लेम दिस बिजनेस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सेम यही प्रोफाइल आपका ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप मैनेज करना चाहते, तो मैनेज नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। और मैनेज नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से वेरिफिकेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको अपने लिस्टिंग को फिर से पोस्टकार्ड के थ्रू या फिर वेरिफिकेशन करके अपने लिस्टिंग को वेरीफाई करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीमेल अकाउंट में अपने लिस्टिंग को ऐड करना, तो आपको उसे फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे पोस्टकार्ड के लिए बेसिकली नाम पूछ रहा है, तो आप जिस भी नाम से पोस्टकार्ड मंगाना चाहते हैं अपने एड्रेस पे, वो नाम आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपको मेल पे क्लिक करना होता है, ठीक है। और मेल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आप जानते हैं कि 15 से 14 दिन के अंदर आपका पोस्टकार्ड आपके एड्रेस पे पहुंच जाता है। उसके बाद आप वेरिफिकेशन पिन को वहां से अपने गूगल बिजनेस लिस्टिंग में एंटर करके अपने लिस्टिंग को वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अपने लिस्टिंग को रिकवर करने का यही तरीका है, गूगल आपसे फिर से वेरीफिकेशन करवाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वेरीफिकेशन करना नेसेसरी है, आप चाहते हैं कि अपने लिस्टिंग को फिर से अपने अकाउंट में ऐड करना। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि जिस भी अकाउंट से आपका गूगल बिजनेस लिस्टिंग डिलीट हो गया है, उसी अकाउंट से आप रिकवर करने का फिर से ट्राई करेंगे, ताकि आपका लिस्टिंग जल्दी से वेरीफाई हो जाए, जल्दी वो रिकवर हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी गूगल के पास डाटा होगा कि इस जीमेल आईडी पे पहले से ये लिस्टिंग क्रिएट किया गया था और अभी वो डिलीट हो गया है। तो इसलिए आप उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करके अपनी लिस्टिंग को रिकवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल गलती से अगर डिलीट हो जाता है तो कैसे वो उसे रिकवर कर सकते हैं। और कुछ भी लिखना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल के भी आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।